नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और अपने कार्यकाल को पूरा करके दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में लौटी। यह अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। कुशल शासन एवं शासक की विश्वसनीय को दर्शाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की आज पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती ही जा रही है। आज विदेश का प्रत्येक नागरिक उनके बारे में जानना, उनसे मिलना चाहता है। बड़े बड़े उद्योगपति उनसे मिलकर अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। स्वतंत्र भारत के 16 प्रधानमंत्री हैं और जिनका जन्म भारत देश के आजाद होने के बाद हुआ, जिस कारण से वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, उनकी शख्सियत के बारे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। वह भारत के सभी नागरिकों के दिलों पर राज करते हैं। हर बच्चा मोदी मोदी करता है। भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रति जनता में इतनी दीवानगी और प्रेम है। जो उनके विरोधी हैं, वह भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोदी का अंदाज सबसे अलग है, यहाँ तक कि गले तक लगा लेते हैं। कुछ ऊर्जा एवं एनर्जी उन्हें भी मिल जाए। जब भारत के 17वीं लोकसभा चुनाव लड़े जा रहे थे, तब जनता में इतना जोश था कि गली गली चौराहा चौराहा पर हमें मोदी मोदी की आवाज सुनाई देती थी, जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। जिसके समर्थन में जनता इतनी आगे निकल जाएगी कि उस व्यक्ति का प्रचार स्वयं करेगी। इलेक्शन 2019 चुनाव में यह भी देखा गया कि जब भी कोई दूसरी पार्टी का नेता चुनाव प्रचार करने के लिए निकलता, उसके सामने भी मोदी मोदी के नारे लगाए जाते थे, जिसको देखकर विरोधी के हौसले उसी वक्त पस्त हो जाते थे। किसी राजनीतिक नेता से भी जनता इतना प्रेम कर सकती है? कभी कभी तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को यहाँ तक कहते सुना था, भाई आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, कुछ काम हमें भी करने दो। कुछ को तो मोदी की आवाज से रुकना पड़ा, उनसे मुलाकात करने पर मजबूर हो गए। यह कोई और नहीं, भारत की आम जनता थी। लोकतंत्र को एक अलग ही रंग में रंग दिया था, जो था मोदी रंग। मोदी गरीब परिवार से हैं। इनके पिता दामोदर दास मोदी और माँ हीराबेन मोदी की 6 संतानें थी। उनमें से मोदी तीसरे नंबर के थे। इनके घर की पारिवारिक स्थिति काफी खराब थी। माँ दूसरों के घर में बर्तन साफ किया करती थी, अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। माताजी एवं पिताजी के काम करने के बाद भी परिवार को 2 वक्त का भोजन बड़ी ही परेशानियों के बाद नसीब होता था। मोदी बहुत ही छोटी उम्र के थे, तब से ही उनका जीवन संघर्षों से गुजर रहा था। अपने पिता के चाय की दुकान पर काम करने लग गए थे। दुकान पर आने वाले व्यक्तियों को वह चाय दिया करते थे। ट्रेनों में भी मुसाफिरों को चाय देते थे। अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग करते थे। इसी काम के बीच अपनी पढ़ाई का समय भी निकाल लेते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता था तो वह घंटों पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करते थे। इनके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा रुचि है। इन्होंने अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दिया, हमेशा आगे बढ़ते चले गए। मोदी जी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे मानो कि वह खुद ही एक बच्चे हों। इन बच्चों के बीच आकर अपने मन को कुछ हद तक हल्का महसूस करते हैं। बच्चों के साथ रहने में उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। उनके विचारों को अपने मन के गहराई में उतारते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। विवेकानंद जी की तरह अपने निर्णय पर चट्टान की तरह अटल रहते हैं। जो निर्णय लिया सबसे जुदा है और उनको पूरा करने की जिद हमेशा उनमें देखी जाती है। जिस किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको पूरा करके ही सांस लेते हैं। अपने विरोधियों को मुंह से नहीं, अपने कामों से, कार्य करने की क्षमता से जवाब देते हैं। विरोधी उनको देखते ही रहते हैं और वह अपना काम करके निकल जाते हैं। वह अपने काम से जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की तरह कहना है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी वचन पर अपने कार्य को वह गति दे रहे हैं। 13 वर्ष की आयु में जशोदा बेन चमनलाल के साथ उनकी सगाई हुई, लेकिन कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण 1967 में वह घर छोड़कर चले गए।
जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी, सीधे उत्तर भारत में स्थित विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता में स्थित बेलूर मठ जैसे कई आश्रमों में जाने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उन्होंने जीवन की गहराई को पहचाना, जिससे उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और करीब 2 साल बाद फिर से वापस घर आ गए। परिवार में स्थिति ठीक नहीं होने के बाद उन्होंने अपने परिवार के कामों में हाथ बटाते हुए स्कूल की पढ़ाई पूरी की और शिक्षा को विश्वविद्यालय तक लेकर गए। 1971 में आरएसएस के सदस्य बने और पूरी मेहनत लगन के साथ कार्यों में भागीदारी निभाने लगे। प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े कामों में वह आगे रहकर काम करते थे, लोगों की खूब सेवा की और जो भी समस्या रहती थी उसको बेहद करीब से जानकर उसको हल करने की कोशिश करते थे। जब देश में कुछ राजनीतिक झगड़े चल रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में 1975 में आपातकालीन घोषित कर दिया। संघ को बंद करने को कहा गया। इसका संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से वर्चस्व फैलता जा रहा था। उनके द्वारा किए जा रहे कामों से लोगों का आरएसएस पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। बहुत तेजी से लोगों का झुकाव आरएसएस की ओर और बढ़ता देख उस समय की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का सोचा, लेकिन फिर भी मोदी जी संघ का गुप्त रूप से प्रचार करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। इस काम को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। 1985 में बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी में रहकर कई महत्वपूर्ण पदों की गरिमा को बढ़ाया। 2001 तक उन्होंने कई पदों पर कार्य किया। इसी बीच पार्टी ने उन्हें सचिव के पद पर बैठाया। गुजरात में भयंकर भूकंप आया, जिसने गुजरात की स्थिति को बदल कर रख दिया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई की छवि सार्वजनिक रूप से खराब होती जा रही थी, क्योंकि वह स्थिति से निपटने में असफल होते नजर आ रहे थे। इसलिए पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। वह सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे और गुजरात को उस स्थिति से बाहर निकालने में बहुत मेहनत की और सफल भी हुए। वह गुजरात में जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो गए। जनता ने भी आगे बढ़कर उनको लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुनकर उनकी छवि को और निखार दिया। ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप लोगों को बताया। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कर देना।